हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया विद रतीश में स्वागत है। आज मैं जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि भूटान मल्ली, श्रीलंकन टगर, व्हाइट एंजल। इसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि चाइना में इसे चाइना रोज कहा जाता है। फ्रेंड्स, नाम कुछ भी हो, लेकिन ये फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इसके बारे में सारी बात शेयर करूँगी। आपको ये बताऊंगी नर्सरी में कितने प्राइस में मिलता है, इसका सॉइल मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए, इसको कौन सी फर्टिलाइजर पसंद है, वो मैं सारी बात आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो भूटान मल्ली मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये है इसका हाइब्रिड क्वालिटी, हाइब्रिड वेराइटी। मेरे पास इसका देसी वेराइटी भी है और ये हाइब्रिड वेराइटी है। हाइब्रिड वेराइटी और देसी वेराइटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके लीव्स थोड़े से बड़े बड़े होते हैं और फ्लावर्स भी थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि देसी वेराइटी में थोड़े से छोटे आते हैं, फ्लावर्स भी और लीव्स भी। फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना, ये जो फूल है ये कितना सुंदर दिखता है, बिल्कुल जैसे कि सिल्वर का कोई वार किया हो, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, ये साल में 10 मंथ्स फ्लावरिंग करने वाला एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये साल में 10 महीना फ्लावरिंग करता है और हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट। फ्रेंड्स, ये खाली ये बस जो विंटर होता है, विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाता है। फ्रेंड्स, ये नर्सरी में आपको 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। मैंने इसको 70 रुपीज़ में लिया था। इसका प्राइस डिफरेंट प्लेसेस में थोड़ा सा वैरी करता है, लेकिन आपको 50 से 100 रुपीज़ में आपके लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। आप नर्सरी वाले से भूटान मल्ली या फिर श्रीलंकन टगर कह के मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो सॉइल मिक्सचर है, आप इसके लिए 40% गार्डन सॉइल लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट दीजिए, क्योंकि इसको कंपोस्ट बहुत ही पसंद है। तो अगर मिट्टी आपका भुरभुरा है तो फिर इसमें सैंड मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मिट्टी चिकना है तो फिर आप इसमें ज़रूर सैंड मिलाएं, क्योंकि ये प्लांट को चिकना मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसको एसिडिक सॉइल बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप इसमें बहुत सारे गोबर खाद दीजिए और थोड़ा सा बोन मिल भी आप मिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें नीम खली जरूर मिलाए। और ये तो हो गया इसका सॉइल मिक्सचर। फ्रेंड्स, आप जो भी गमले में इसे लगा रहे हैं, इस गमले का ड्रेनेज होल के ऊपर आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पानी ठीक से ड्रेनेज हो पाएगा तब भी ये प्लांट ठीक से सर्वाइव करेगा, नहीं तो फिर प्लांट बहुत ही ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके वाटरिंग के ऊपर आप ध्यान रखिएगा, इसको डेली डेली वाटरिंग मत करिएगा, इसको आप 2 दिन में एक बार ही पानी दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाए तब भी आप इसमें पानी दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसके लीव्स आपको दिख रहा है ना कितना मोटा मोटा है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर इसके लीव्स झड़ने लगते हैं और प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग्स नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका वाटरिंग। और आप इसको दिन के फुल सन में ही रखिए, ये दिन का फुल सन आराम से सह लेता है और इसको सन पसंद भी है, सनलाइट इसको पसंद भी है, तो आप इसको दिन के फुल सन में ही रखिए। और फ्रेंड्स, इसका प्रोपेगेशन बहुत ही ईजी है। आप इसके ब्रांच से ही, इसके स्टेम कटिंग से आराम से नया प्लांट्स लगा सकते हैं। मानसून के टाइम आप इसके कटिंग करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लगाने के बाद आप बस महीने में एक बार या फिर 15 डेज में एक बार थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, दीजिएगा, और उसके साथ 2 स्पून बोन मिल दीजिएगा। मेरा जो 10 इंच का गमला है तो मैं इसमें 2 स्पून बोन मिल ही डालती हूँ महीने में एक बार। फ्रेंड्स, बस इतना ही केयर करिए और ये आपको सालों भर ही आपको ये फूल देता रहेगा। खाली विंटर उसका डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, विंटर में ये थोड़ा सा फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है ना ये खूबसूरत सा फूल के बारे में सारी बात, सारी जानकारी। तो अगर आपके पास ये वाला प्लांट नहीं है तो ज़रूर ऐड करिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।